हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम मैंने सोचा जब इतना रिव्यू आ रहा है केरला स्टोरी का, तो क्यों ना इस पर भी एक वीडियो बनाई जाए। तो केरला स्टोरी तो लगभग सब लोगों ने देख ही ली होगी कि ये मूवी प्रोपेगेंडा है या एक सच्चाई है। तो फ्रेंड्स, ये मूवी अपने आप में एक मैसेज देती है कि आप खुद की सुनिए, खुद के दिल की सुनिए, खुद की दिमाग की सुनिए, आपको क्या लगता है इस मूवी को देखने के बाद। आपका माइंड किसी के द्वारा इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। आप खुद का दिमाग यूज़ करें, खुद के दिल की सुने कि आपको इस मूवी में सच्चाई लगी है या कोई ये प्रोपेगेंडा है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो रियल स्टोरीज दिखाई गई हैं और उसके बेस में मूवी बनाई गई है, उसमें मूवीज़ के अंदर पेरेंट्स के इंटरव्यू भी दिखाए गए हैं कि उनकी बेटियों के साथ क्या क्या हुआ है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का एक लीडिंग जजमेंट है 2016 का, हादिया का। जजमेंट जिसके पेरेंट्स जो हैं वो आर्मी में काम करते थे। तो दोस्तों, अगर ऐसे जजमेंट्स, लीडिंग जजमेंट्स हुए हैं, ऐसे सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स आए हैं जिसके बिहाफ पे ये सब चीज़ें कार्यक्रम चल रहा है जो केरला स्टोरी में दिखाया गया है। और इस जजमेंट के बाद मैं तो एक चीज़ यही कहूँगी उन बहन बेटियों से कि चाहे प्यार सच्चा हो या झूठा हो, आप उसे क्रॉस चेक जरूर करिए। और किसी ने खूब ही कहा है, हर एक को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को ज़मीं तो किसी को आसमां नहीं मिलता। थैंक यू फ्रेंड्स।